तो दोस्तों, जिस मोमेंट का वेट फैंस कई महीनों से कर रहे थे, अब वो आ गया है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो गया है और नामीबिया के साथ स्कॉटलैंड की जीत ने इस वर्ल्ड कप को एक सनसनीखेज स्टार्ट दी है, क्योंकि श्रीलंका अभी अभी एशिया कप जीत के आया था, इसलिए लंका के सामने उलटफेर होने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मगर टी20 क्रिकेट का नेचर ही ऐसा है, यहाँ वो होता है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया हो। अब जब टी20 क्रिकेट का मेला चल रहा है तो क्रिक माइंड ने सोचा, क्यों ना इस वर्ल्ड कप के दौरान फैंस के साथ टी20 क्रिकेट में हुए कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट से जुड़े स्पेशल एपिसोड्स शेयर किए जाएं। इसलिए हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिक माइंड की नई और बेहद ही खास सीरीज, यूनिक रिकॉर्ड्स ऑफ टी20 क्रिकेट। आज इस ब्रांड न्यू सीरीज के पहले एपिसोड में हम टी20 क्रिकेट के उन मोमेंट्स की बात करेंगे जब डेब्यू करने वाले बेबाक प्लेयर्स ने अपने करियर की पहली गेंद पर सिक्स मारा। क्योंकि इस लिस्ट का आखिरी नाम बेहद ही खास इंडियन का है, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, टी20 क्रिकेट की शुरुआत भले ही 2005 में हुई थी, लेकिन करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले सात प्लेयर्स में से फर्स्ट बैटर 2007 टी20 वर्ल्ड कप में मिला, वो भी आइकॉनिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल में। बात दरअसल उस मैच के आखिरी लम्हों की है। पाकिस्तान को जीत के लिए 18 गेंदों में 35 रन चाहिए थे और ऐसे में श्रीसंत के सामने स्ट्राइक पर थे करियर की पहली बॉल पर खेलने वाले सुहेल तनवीर। इस हाई प्रेस राइज सिचुएशन में तनवीर ने एक फुल बॉल को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्स के लिए हिट किया और अपने टी20 करियर की पहली बॉल पर छक्का मारने वाले सुहेल तनवीर पहले प्लेयर बने। सुहेल के बाद ये कारनामा करने वाले अगले प्लेयर वेस्टइंडीज के जेरम टेलर थे। जी हाँ, वो जेरम टेलर जिनका प्रोफाइल बैटर का नहीं बॉलर का है। मगर टी20 फॉर्मेट है ही इतना कमाल कि कब कौन क्या कर दे पता ही नहीं। जैसे जेरम ने 2008 जनवरी के महीने में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में ऑल टाइम ग्रेट मखाया एंटनी को अपने करियर की पहली गेंद पर छक्के के लिए हिट किया और हिस्ट्री का पार्ट बन गए। जेरम के बाद ये यूनिक कारनामा करने वाले अगले बैटर भी वेस्टइंडीज से हैं। बात 2008 की ही है, तब ऑस्ट्रेलिया टीम कंप्लीट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट खेलने वेस्टइंडीज गई थी। इस दौरान ही एक टी20 मैच को बारिश के कारण 11 ओवर का कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 11 ओवर्स में 98 रन बनाकर वेस्टइंडीज के सामने बड़ा लक्ष्य रखा। सबकी चाह थी कि वेस्ट इंडियन बैटर्स भी तेज शुरुआत करेंगे, मगर स्ट्राइक पर डेब्यूटेंट जेवियर मार्शल के सामने ब्रेटली को देखकर सबको लगा कि अब इनिंग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन मार्शल के कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने ब्रेटली के स्टेटस और अपने करियर की फिक्र किए बिना ली की पहली गेंद को शॉर्ट पिच पाया और छक्के के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। मार्शल यही नहीं रुके, उन्होंने 15 बॉल्स में 36 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बनते हुए वेस्टइंडीज को मैच भी जितवाया। मार्शल और टेलर के बाद 2008 में ही एक और वेस्ट इंडियन प्लेयर ने अपने टी20 करियर की पहली बॉल पर छक्का लगाकर इस यूनिक लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। वो बल्लेबाज कोई और नहीं, पावरफुल पोलार्ड है। उन्होंने साल 2008 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपने पहले ही मैच की पहली गेंद पर जीतन पटेल को मिड डे विकेट के ऊपर से छक्के के लिए पहुंचाया था। हालांकि वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन पोलार्ड ने फ्यूचर स्टार बनने का हिंट जरूर दे दिया था। पोलार्ड के बाद इस लिस्ट का पांचवा खिलाड़ी भी वेस्ट इंडियन ही है। ये बात दूसरी है कि वो प्लेयर टोनी बेस्ट है, जो प्योर बॉलर के तौर पर टीम में खेलते थे। बेस्ट ने यह कारनामा साल 2013 में पाकिस्तान के विरुद्ध किंगस्टन में अजमल को अपनी पहली गेंद पर सिक्स लगाकर पूरा किया था। बेस्ट के बाद इस लिस्ट को अगले प्लेयर के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा और इस बार ये कारनामा किसी वेस्ट इंडियन ने नहीं, साउथ अफ्रीकी ने किया। बात 2017 की है, तब सेंचुरियन में श्रीलंका के सामने मंगलीसो मेजहले ने नुवान कुलासेकरा को अपने करियर की पहली ही गेंद पर छक्के के लिए पहुंचा दिया था। इस अटैकिंग शुरुआत के बाद मोजहले अगली गेंद पर रन आउट हो गए और पहली पारी में सिर्फ 6 रन ही बना पाए, मगर तब तक मोजहले टी20 करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले 6ठे प्लेयर बन चुके थे। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस लिस्ट के आखिरी और टी20 क्रिकेट में हर भारतीय के फेवरेट नाम की तरफ, वो नाम जो सालों से आईपीएल में अपना रंग जमा रहा था लेकिन उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला साल 2021 में और अपनी पहली ही अपीयरेंस में उन्होंने खुद को साबित भी किया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने पिछले साल 18 मार्च को अहमदाबाद में अपने करियर की पहली और जोफ्रा ऑर्चर की तीखी शॉर्ट पिच बॉल को पांव उठाकर कैलिप्सो अंदाज में फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए पहुंचाकर इतिहास रच दिया था और टी20 करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले पहले भारतीय और कुल 7वें खिलाड़ी बने। इस इनिंग में सूर्य कुमार यादव ने 57 रन बनाकर भारत को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर टी20 क्रिकेट की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले सभी 7 प्लेयर्स का जिक्र हमने आपके साथ किया। आप बताएं कि किस प्लेयर का नाम इस लिस्ट में देखकर आप चौंक गए थे। क्रिक माइंड की टीम के लिए तो टीनो बेस्ट का नाम काफी चौंकाने वाला रहा। इस तरह की और भी चौंकाने वाली लिस्ट क्रिक माइंड लेकर आता रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।